अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों, अगर मेरे शागिर्द हो तो ये देवबंदी और ये बरेलवी, ये झगड़े निकाल दो, अपने आप को मुसलमान करो, मुसलमान। तुम्हारे अखलाक आलीशान, तुम्हें माफ़ करना आता हो, तुम्हें दरगुजर करना आता हो, तुम्हें राय से हटना आता हो, तुम्हें इनकार सुनना आता हो, तुम अपनी राय के 100% खिलाफ करने की ताकत रखो, तुम माफ़ करने की ताकत रखो, तुम कड़वे से कड़वे बोल पर भी मुस्कुराना सीखो कि ये सौदा मार्केट में कोई नहीं है। मुनाजरे नहीं करने, नफरत नहीं करने, सबसे मोहब्बत करने, सबको मोहब्बत। तुम अंबिया के वारिस हो, तुम्हारी मिसाल तबीब की है। तबीब जितना मरीज सख्त होता है उतना उस पर उसकी तवज्जो ज्यादा होती है। कोई अकायद में गुमराह है, कोई अमल में गुमराह है, कोई किसी शक्ल में गुमराह है, अगर तुम उनसे नफरत करोगे तो तुमने तो नबूवत वाले मिजाज को ही तबाह कर दी। जितना कोई दीन से दूर है उतना उससे प्यार करो, देखो वो कैसे। तो मैं आप बच्चों से ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ मस्जिद को न संभालें, सिर्फ मदरसे को न संभालें, आप पाकिस्तान के ज़िंदगी के हर शोबे में दाखिल हों और उसको सच्चाई और दयानतदारी और इंसाफ पर खड़ा करने की कोशिश करें। उसके लिए मजमा नहीं चाहिए, एक आदमी काफ़ी हो जाता। आए जिंदगी के एक नए सफ़र की तरफ, सच्चाई और वफा की तरफ, मोहब्बत और आता की तरफ। इल्म के नूर से रोशन करें ये जहां, बुलंदियों को छू लें इल्म नबी की परवाज़ के साथ, अंधेरों में उजाला कर दें शमाए कुरान से। तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे कोई मेरे ज़रिए से एक ऐसा मजमा तैयार हो जाए जिनके जज्बात में अल्लाह रसूल बसते हों और जिनके अखलाक में नबूवत वाले अखलाक की महक और खुशबू।